श्लोक मुझे नहीं रहना यहाँ पे। श्लोक आप मेरी मम्मी जी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। माम घबराइए मत, ले जाऊंगा आपको। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आप टेंशन मत लीजिए माम। लॉकअप में क्या कर रहे हो तुम लोग, निकलो यहाँ से। श्लोक आप ऐसे क्रिमिनल लोगों के साथ मेरी मां को रखेंगी आप? ये गलत है। ये हमें कानून मत सिखाइए आप। आपकी बीवी की कंप्लेन पे ही आपकी मां यहां पड़ी है। अरे वो कंप्लेन झूठी थी, तुम्ही तो कोई कंप्लेन नहीं की है। हाँ, और मैं यहाँ अपनी स्टेटमेंट देने आई हूँ। मैंने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है, किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। मैं अभी सीनियर इंस्पेक्टर को जाके सब सच बता दूंगी। आप एक माँ हैं, और एक माँ के खिलाफ ऐसी कंप्लेन करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी जाकर अपनी स्टेटमेंट दूंगी, अब छूट जाएंगी। तू बिल्कुल घबरा मत, मैं तेरे को ले जाऊंगा यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना है श्लोक। हाँ तू प्लीज रो मत, टेंशन मत, मैं तेरे को ले जाऊंगा, बात करके आता हूँ। मैं श्लोक प्लीज रो मत, मैं आ रहा हूँ। श्लोक चलो, बाकी शादी वाली रात की कोई भी बात बाहर ना आए। आज इस रिपोर्ट के फटने के बाद सारी सच्चाई आसमान में गायब। उस शादी की रात की सच्चाई, जब मैं ड्रग्स ले रहा था और पुलिस मुझे मंडप से उठा के ले गई थी। 2 घंटे तक मुझे लॉकअप में बिठा के रखा, लेकिन मेरी मॉम बिना किसी बताए चुपचाप आकर मुझे छुड़ा के ले गई और किसी तरह लास्ट मोमेंट पर शादी में पहुंचा ही दिया। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि मैं बाहर था। एंड देन आई एम बैक। नो रिपोर्ट, नो सबूत। एक बार इस रिपोर्ट को फाड़ दूं तो सारा सच पुफ करके गायब। मेरी सच्चाई सामने लाने में ये रिपोर्ट मेरी बहुत मदद कर सकती है। इसके सहारे ये प्रूफ कर पाऊंगी कि रौनक तो मंडप पे था ही नहीं, और मेरी शादी रौनक से नहीं श्लोक से हुई है।
ये कागज मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये प्रूफ करने के लिए कि रौनक शादी के टाइम पुलिस स्टेशन में था। बाहर आ जाओ सुमित। come out wherever you are. मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रौनक, रौनक स्टॉप। अब तो सारा सबूत गायब, अब क्या करोगे सुमित? ये एक रास्ता था मेरे पास जिससे मैं प्रूफ कर सकती थी कि मैं सच कह रही थी। तुम मंडप में नहीं, उस दिन जेल में थे। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा माँ, तू बस दरवाजा खोल दे, पर बात सुन ले प्लीज। मैं तब तक भर ना आऊंगी जब तक वो सुमित घर से ना जाती है। माँ, मैं जानता हूँ तुझे और पूरे परिवार को सुमित की वजह से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन अब नहीं। मैं आज ही इसी वक्त बिट्टी से सगाई करूंगा। तूने बिट्टी की माँ को जुबान दी थी, तेरी जुबान खाली नहीं जाएगी, सगाई आज होगी। तू आंसू पोंछ, सगाई की तैयारी कर। ये गलियां जरूर खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं जो मेरे सच को झुटला दे। एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। तेरी मेरा घर है, मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। बिट्टी मेरी होने वाली बीवी है, तुम कुछ नहीं हो मेरी। इतनी कोशिश की तुम्हें समझाने की, इतना समझाया गुस्से से, प्यार से, दोस्ती से, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। एक ही रट पकड़ के बैठी हो तुम। श्लोक मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ। अरे यार, परेशान हो गया मैं यार तुम्हारे झूठ सुनते सुनते। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये लड़की फिर से आ गई है सगाई तोड़ने के लिए। मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी माँ ने आपको जुबान दी है तो ये सगाई होके रहेगी। बेसबर ढूंढे है तुझको दरबदर, राहों में मुझको छोड़कर क्यों पूछता मेरे अरमानों की खबर। बैठा जब खुद को तोड़कर तन्हा तू पिछले मोड़ पर जब गुन। सच्चाई के इतना करीब आकर भी सच्चाई मेरे हाथों से निकल गई। मेरी वजह से पूरे घर में सीसीटीवी लग गए, जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। ऐसी रेडनेस तो केमिकल इंक के रिएक्शंस के बाद ही आती है। टैटू तो मैंने कभी नहीं बनवाया। प्लीज जब ये होश में आ जाए तो एक बार इनकी बात सुन लीजिएगा। इससे प्रूव हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी शादी सचमुच हुई है श्लोक से। शनिवार की रात सेहरा पहनकर एक लड़का आया, उसे कहा गया कि 15 मिनट पर हाथ पर एक टैटू बनाना है। सुमित ने भी कहा कि मैंने टैटू बनवाया था। डॉक्टर भी कह रहा है कि ये रेडनेस टैटू की वजह से। कहीं मैंने नहीं, नहीं ये दोनों बातें ना बस इत्तफाक है।
आपने कोई टैटू बनवाया था यहाँ? केमिकल इनके रिएक्शंस दिख रहे हैं। सिर्फ 9 दिन बचे हैं मेरे पास और 9 दिनों में मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। इन्हीं गहनों को पहना कर ले जाऊंगी, फिर निकालूंगी तुम्हारी अकड़। समझ आ गया होगा ना सुहाग की ताकत क्या होती है, जिसे मैंने अपना पति माना है और जो मेरा सुहाग है, जब तक वो ताकत मेरे साथ है ना, आप सुमित को नहीं हरा सकती। सुमित, सुमित, मम्मी को देख, सुनिए मेरी बात सुनो, जब शुरू हो जाए तब आ जाना, जाओ अपने अपने घर जाओ। माँ कुछ पता चला? बड़ी माँ के सबूत क्या लगा? ना वो तो मैं ना जानती, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि उस अमीरजादी से पिंड छूट रहा है, वरना 21 दिन उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। आखिर ये शगुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से सबूत दिखाने वाली है, मुझे पता लगाना होगा। वंडर बॉय, 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 वंडर बॉय। सुमित जैसी बेवफा लड़की का पर्दाफाश हो गया है, क्या सबूत है आपके पास? वेल जस्ट वेट एंड वॉच। एक बार फिर सोच लो राज, क्या तुम वो करने को राजी हो जो हम तुमसे कहेंगे? वैसे सच कहूं तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है अपनी बहन की खुशियां दोबारा हासिल करने के लिए। मैं अपनी बहन की खुशियां लौटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ, सारी मीडिया को बुलाती हूँ, तुम सारी मीडिया के सामने, सारी पब्लिक के सामने, स्पेशली श्लोक की फैमिली के सामने ये कह देना कि सुमित की शादी श्लोक से नहीं बल्कि मेरे बेटे रौनक से हुई थी।
मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि आपकी मदद लेकर अपनी बहन को नर्क से निकाल सकूं, ना कि उसे एक नर्क से निकाल के दूसरे नर्क में धकेल दूं। सो आई एम सॉरी, ना तो सुमित रौनक की बीवी कहलाएगी और ना ही आपके घर आएगी। ठीक है, फिर तुम एक काम कर, तुम सबको कहो तो सही कि सुमित की शादी रौनक से हुई थी, उसके बाद सुमित को श्लोक का घर छोड़ना पड़ेगा, तब मैं रौनक और सुमित के डिवोर्स के पेपर रेडी करवा दूंगी, ये दोनों साइन कर देंगे और हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वक्त सब कुछ बहुत आसानी से ठीक कर देता है, धीरे धीरे तुम्हारी बहन सुमित भी सब कुछ भूल जाएगी और फिर से उसकी खुशियां वापस आ जाएंगी पहले की तरह। भाई ये सब क्या बोले जा रहे हैं अब, इतना झूठ क्यों आखिर? और हमारा प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता, लेकिन जब से मेरी बहन सुमित श्लोक के घर में गई है उसे सिर्फ तकलीफों का सामना करना पड़ा, उसकी बदनामी हो रही है, उसे ट्रोल किया गया, उसके मीम्स बने, और मैं एक भाई होते हुए अपनी बहन के साथ ये होता नहीं देख सकता था। तब मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक सच को छुपाने के लिए मेरा बोला गया हर झूठ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने आया हूं ये सच लेकर, और सच यही है कि सुमित की शादी रौनक से हुई है। तो आखिर सुमित के भाई ने इस रात से पर्दा हटा ही दिया है कि सुमित का असली पति कौन है। मेरे पति हो ये मैं साबित करके रहूंगी। रेडनेस इचिंग जो है वो टैटू किंग का रिएक्शन है, तुम्हें कभी डाउट में आता ही नहीं, और अगर डाउट में नहीं आता तो मैं कभी उस टैटू आर्टिस्ट से मिलने नहीं जाता। रात जिस लड़के के हाथ पे आपने टैटू बनाया था उसे किस गाड़ी में यहाँ पर लाए थे वो तो याद होगा, गाड़ी का नंबर कलर एनीथिंग, प्लीज प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश करिए। देखिए कार तो व्हाइट कलर की थी, हाँ व्हाइट मर्सिडीज, और रही बात गाड़ी के नंबर की तो वो कुछ तो VIP नंबर था, हाँ याद आया 1111, यस व्हाइट मर्सिडीज 1111। लोग मैंने पुलिस स्टेशन में रौनक को कांस्टेबल से बात करते हुए सुना था, शादी वाली रात रौनक ड्रग्स के नशे में धुत था और वो लॉकअप में था, फेरों के वक्त रौनक पुलिस कस्टडी में था। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं इस बारे में? क्योंकि रौनक ने मुझे धमकी दी थी अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो वो वानी दी को हार्म करेगा। मुझे लगा रौनक की गाड़ी में शायद कोई सबूत मिले इसलिए मैंने रौनक की गाड़ी चेक की, ये वॉच मिली मुझे उसकी गाड़ी से और ये वॉच ठीक उसी दिन और हमारी शादी के वक्त ही बंद हुई है। ये तो मेरी गाड़ी है, ये तो शादी की रात खो गई थी, मैं ढूंढ रहा ये गाड़ी में क्या कर रही थी। शायद जब तुम्हें गाड़ी में बिठा कर यहाँ टैटू बनवाने लाए थे तब ये घड़ी गिर गई होगी। ये डॉक्टर भी यही कह रहा था कि मेरी जो इचिंग है ये टैटू की इंक की वजह से, और अगर मैंने टैटू बनाया तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है यार? ये सब कुछ रौनक का और तुम्हारी बड़ी माँ शगुन का किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, मैं रौनक से उम्मीद कर सकता हूँ कि हरकत करेगा लेकिन बड़ी माँ नहीं। रौनक ने फेरों के वक्त पूजा के वक्त अपनी जगह तुम्हें मंडप में बिठा दिया, लेकिन ये स्विच कब हुआ कैसे हुआ ये मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और अगर ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो हम तीनों को एक साथ आना होगा टीम की तरह।
बस यही बात। सुमित, इतनी मिन्नतों के बाद मेरी बहू मेरे घर आ रही है, तो उसके स्वागत पर इस सास का एक वेलकम डांस तो बनता ही। जब तक मेरा डांस खत्म होगा तब तक ये नेकलेस अपना असर दिखा चुका होगा। अब तो मेरे बच्चों की सुमित, शकुन ने तो कहा था कि वो डिवोर्स पे कुछ रेडी करके रखेंगे। तो तेरे आने की खुशी में हूँ, डांस क्यों कर रही है? जाना चाहिए था। वादा करता हूं लाडू, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुझे इस घर की चौखट के अंदर कदम नहीं रखने दूंगा। सर क्यों घूम रहा है? आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। छोड़ दो मुझे रौनक प्लीज। कैसा लगा? परफेक्ट। थैंक यू सो मच प्रिया, तुम नहीं जानती तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। अब हम रौनक के साथ गेम खेलना शुरू करेंगे। इस वीडियो के बेसिस पर पुलिस रौनक को अरेस्ट तो कर लेगी। रौनक ने शादी के दौरान प्रिया को यहाँ मिलने बुलाया और फिर उसका मर्डर कर दिया। और फिर हम रौनक को डराएंगे कि अगर उसे इस मर्डर के इल्जाम से बचना है तो उसे कबूल करना होगा कि उस रात मंडप पर रौनक था ही नहीं, मेरी शादी श्लोक से हुई है। सुमित के साथ मंडप में आप ही थे ना सहरा में? हाँ हाँ, सहरे में मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। हाँ, रौनक ऐसा कर ही नहीं सकता है। अच्छा किया आपने ये कंफर्म कर दिया कि ये शेरवानी और सहरे के पीछे आप ही थे। हाँ मैं ही था, लेकिन मैंने कोई मर्डर नहीं किया है इंस्पेक्टर। सेम शेरवानी और सहरे में, इसमें प्रिया का गला काटते हुए आप ही होंगे ना? और ये जो आपके हाथ पे टैटू बना है ना, सेम फोटो में भी है। उसका बॉडी आपके वेडिंग वेन्यू के पीछे नाले से मिली है। 15 दिन बीत चुके हैं आपकी शादी को। प्रिया की मौत भी 15 दिन पहले हुई थी, उसी रात। वो खुद नहीं मरी, उसे मारा गया है।
आपने मारा है उसे? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। सर सर, थोड़ा पानी मिलेगा? वो पानी खत्म हो गया सर। हाँ लाता हूँ। थैंक यू सर। कौन सा जहर दिया था सुमित को? वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। रौनक, रौनक पे मत छोड़, सुमित बॉय पे गुनाह है। रौनक को छोड़ दो, बॉय पे गुनाह है। रौनक को छोड़ दो, बॉय पे गुनाह है। बेटा बॉय पे कसूर है। रौनक को छोड़ दो, बॉय पे गुनाह है। डॉक्टर देखिए, पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। बॉडी में जहर कौन सा है पता लगाने के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, लेकिन उन सबकी रिपोर्ट आने में लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे, और मुझे डर है कि तब तक शायद पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। डॉक्टर, दोबारा ऐसी कोई बात अपनी जबान पे भी मत लाना, कुछ नहीं होगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। एक डॉक्टर होने के नाते ही मेरा फर्ज है कि मैं आपको सब कुछ सच बताऊं। आप इतनी कोशिश कीजिए, ये पता लगाइए जल्दी से जल्दी कि जहर कौन सा है बॉडी में। मैं चाहूं तो तुझे अभी बता सकता हूं कि सुमित को कौन सा जहर दिया है। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। उससे पहले ना तू मेरे लिए फेवर कर, एक पानी का ग्लास पिला दे भाई, प्लीज। हाँ यहाँ ग्लास, यहाँ यहाँ ये। और भाई वो ग्लास धो देना, ताने कितने लोगों ने झूठा किया होगा। भाई पानी रुका वाओ। यार वो क्या है ना, पानी से प्यास मैं कभी भी बुझा सकता हूं, लेकिन जूते थोड़े से गंदे हो रहे हैं। मेरे जूते साफ करना, ये ले देखना कितने गंदे हो गए हैं, साफ कर। सच्ची मुच्ची दिल का कहना, तू मेरी लाडू, तू मेरी बहना। चीकू तू अपनी बहन का साथ कदे ना छोड़ेगा। हे माता रानी, मेरी बहन की जान बचा ले। पंजे टूट जाएंगे। अरे पहले जान तो लीजिए, मैंने ये सब कुछ किया कैसे? ओके। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
आपके कहने पर मिनिस्टर साहब ने बहुत प्रेशर बनाया बेल करने के लिए, और शायद बेल हो भी जाती, लेकिन फिर मैंने ये वीडियो पुलिस वालों को दे दी और बेल कैंसिल हो गई। इसीलिए कहती हूँ सुमित में मीत है, बस सुमित करती पहले है और बताती बाद में। सुमित, तुझे अंदाजा नहीं है कि तू किससे भिड़ने चली है। और रही बात मेरे बेटे रौनक के बेल की ना, वो तो मैं करवा के रहूंगी, उसके बाद तू अपनी खैर मना। बाय द वे, वेलकम टू हेल हाउस। डन है सासू माँ। अपने माँ की सर की कसम खा कि तू उस लड़की का चेहरा तक ना देखेगा। क्या कर रहे हो आप? श्लोक, खा अपने माँ की कसम। मम्मा, आपकी बेटी दुश्मन की गुफा में घुस आई है ताकि सबका बदला ले सके। प्लीज मेरा साथ देना। अरे यार, स्मित का कॉल, लड़की का क्या करूं यार मैं? अपने घर वालों को और मम्मी को कैसे समझाऊं यार कि यार सुमित बुरी लड़की नहीं है। अपने माँ की सर की कसम खा कि तू उस लड़की का चेहरा तक ना देखेगा। यार कहीं सुमित को मेरी जरूरत तो नहीं? यार वैसे माँ ने तो शक्ल ना देखने की कसम दी है ना, बात तो कर ही सकता हूँ। हेलो सुमित, कुछ तकलीफ तो नहीं, कुछ परेशानी तो नहीं, सब ठीक? कोई जरूरत नहीं है, एंड आई एम फाइन। यार तू तो सुमित, ऐसा है कि आज के बाद ना हम मिल नहीं पाएंगे। व्हाट? बट क्यों? आई मीन अगर हम मिलेंगे नहीं तो हम आगे का प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? श्लोक, तुम मुझे इस मिशन में ऐसे आधे रास्ते में छोड़ दोगे? श्लोक, क्या प्रॉब्लम है बताओ तो प्लीज। ऐसा है कि यार माँ ने मुझे अपने सर की कसम दी है कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा भी। और अब प्रॉब्लम ये कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं यार। एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ जो है मेरा तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, तुम अभी आओ मुझसे मिलने। पर माँ की कसम नहीं टूटेगी यार। पर मैं बड़ी माँ से क्या कहूंगा यार, मतलब क्या सोचेंगी यार, जब उसे कैसे कहूंगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हारी माँ की कसम भी नहीं टूटेगी और तुम्हारी बड़ी माँ भी गुस्सा नहीं होंगी। आ जाओ। ओके आता हूँ। ये चोट कैसे लग गई? ये ऐसे पकड़ो। ये पकड़ो, मुझे दिखेगा कैसे? ओके। मुझे बचाने के चक्कर में खुद को हर्ट कर लिया, बताना चाहिए था ना। तो अब बता देता हूँ ना, इस घूंघट में ना गेंद लग रही हो तुम। वैसे ये घूंघट का आइडिया बढ़िया था। कहा था ना, तुम्हारी मम्मी की कसम नहीं टूटेगी। अपने माँ की सर की कसम खा कि तू उस लड़की का चेहरा तक ना देखेगा। नहीं, मैं बड़ी माँ की ना बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने आज तक उनसे झूठ नहीं कहा, और आज जब मैंने उनसे झूठ कहा तो ऐसे लग रहा था कि मैं बड़ी माँ को चीट कर रहा हूँ। तुम्हारा ये गिल्ट भी उस दिन दूर हो जाएगा जब रौनक अपने मुंह से कबूल करेगा
कि तुम्हारी बड़ी माँ ने ही तुम्हें रौनक की जगह मंडप पर बिठाया था। वकील साहब, मैंने डॉक्टर से फेक रिपोर्ट ले ली है और आपको मेल भी कर दी है। आप जल्दी से बेल के पेपर रेडी करवाइए। हाँ, मैं आती हूँ। राज भाई, लाडो। हाँ भाई। शगुन ने रौनक को छुड़वाने के लिए फेक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाए, जिसकी हेल्प से उसे बेल मिल सकती है। चाहे जो मर्जी हो जाए लाडो, रौनक जेल के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार वो बाहर आ गया फिर से तुझ पर पति होने का हक जमाएगा। नहीं भाई, झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे वो नहीं रहता। रौनक को प्रिया के मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए अपने मुंह से कबूल करना होगा वो शादी वाले रात मंडप पर नहीं था। उसे सच बोलना ही पड़ेगा। सारे किए करा पे पानी भर जाएगा, अब क्या करेंगे? मुझे याद है, मम्मा जब हमें चेस सिखाती थी ना, तो कहती थी चेस जीतने के लिए जितना दिमाग अपनी बाजी पर होता है, उतना ही दिमाग दुश्मन की बाजी पर भी लगाना चाहिए। जीतने के लिए सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझकर खेलना चाहिए। बस एक मिनट में फोन कॉल्स खत्म करके आपसे बात करता हूँ। मैं ठीक। एक मिनट। बड़ी माँ पुलिस स्टेशन आ गई है और वो रौनक की बेल करवाएंगी और घर ले जाएंगी। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग रौनक का लॉकअप में रहना बहुत जरूरी है। वही तो। सर 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 सर, हाँ आप अपने बड़े साहब को बुलाइए ना सर, प्लीज। हाँ हाँ, बुलाता हूँ सर। वंडर बॉय आपको बुला रहे हैं। आप वंडर बॉय के बारे में क्या बात कर रहे हैं? हे माता रानी, अगर शगुन ने इंस्पेक्टर से बात करने से पहले रौनक से बात कर ली तो रौनक उसे ब्राइबरी के बारे में बता देगा और शगुन उसे रोक लेगी, फिर हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अरे वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, हमारे स्टेशन में आई है, सब गाना गाने के लिए ही बात कर रहे हैं। चलिए। जलेबी। और ये कौन है? जी आप मारे बारे में पूछ रही हैं। मैं बेचारी दुखियारी रास्ता भटक गई थी तो या छोरा ने मेरी मदद कर दी, मन ने सही रास्ता दिखा दिया तो इब मैं चली। जे राम राम। हाँ बस आप वो सीधा निकल जाना, सीधा के राइट ले लेना। रुको, दिल्ली वालों का दिल आपने अभी तक पूरा देखा ही कहाँ है। हमारी शुभकामनाएं लेती जाइए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। और आप मुंह मिठा कीजिए, मेरा बेटा अनश लोक, उसकी शादी बिट्टी से हो रही है 3 दिन में।